हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत कुमार और आज मैं आपके सामने शेयर करूंगा एक मोटिवेशनल स्टोरी जिससे कि आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं और अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि आपने स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म तो देखी ही होगी, लेकिन क्या कभी किसी कूड़ा उठाने वाले को करोड़पति बनते हुए सुना है? और वो भी बिना किसी लॉटरी के जरिए, बल्कि अपनी मेहनत के दम पर। आज हम आपके साथ एक ऐसे शख्स की कहानी शेयर करने जा रहे हैं जो बचपन में घर से भाग जाता है और फिर स्टेशन पर कूड़ा बीनने का काम करता है, लेकिन अपनी लगन के कारण एक दिन वो सब पा लेता है जिसके सपने उसने कभी खुद देखे थे। इस आदमी का नाम है विक्की रॉय, जिसका नाम शायद आपने पहली बार सुना हो, लेकिन इसके जीवन की कहानी सभी के लिए प्रेरणा का काम करेगी। तो विक्की रॉय एक गरीब परिवार से आए थे, उसके अलावा उनकी 3 बहनें और भाई थे। अपनी माँ से पीटा जाना इनके लिए सामान्य था। रॉय को घूमने फिरने का बहुत शौक था, लेकिन उसे बचपन से ही अन्य बच्चों के साथ खेलने की अनुमति नहीं थी। और जब उसके माता पिता काम की तलाश में चले गए तो उसे उसके नाना नानी के घर छोड़ दिया गया। 1999 में जब वह 11 वर्ष के थे, रॉय ने भागने का फैसला किया। उन्होंने अपने चाचा की जेब से 900 रुपये चुराए और घर से भागकर दिल्ली आ गए। स्टेशन पर कुछ बच्चों ने उसे रोता हुआ देखा और उसे सलाम ब्लॉक ट्रस्ट में ले गए, जो कि मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे की कमाई से बना था। लेकिन ट्रस्ट हमेशा अंदर से बंद रहता था और कमरे में बंद रहना रॉय को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए एक सुबह जब दूध वाले के लिए दरवाजा खोले गए तो वह दूसरी बार भाग गए। वह रेलवे स्टेशन पर उन बच्चों से मिले जो रॉय को ट्रस्ट लेकर गए थे और उन्हें अपनी कहानी बताई। इसके बाद उन्होंने बाकी बच्चों के साथ कूड़ा उठाने का काम शुरू कर दिया। वे पानी की बोतलें एकत्र करते, उनमें ठंडा पानी भरते और ट्रेन में जाकर बेच देते थे। ये सभी पैसे उन्हें अपने मालिक को देने होते थे, जो बदले में उन्हें खाना देता। लेकिन कुछ समय बाद रॉय को लगा कि वह इससे वह रुपये नहीं कमा सकते, इसलिए ये काम छोड़कर वे अजमेर गेट के पास एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करने लगे। विक्की रॉय के अनुसार वह समय उनकी जिंदगी का सबसे कठिन समय था, क्योंकि उस समय सर्दी थी। सर्दी के दौरान पानी ठंडा होता था, जिससे उनके हाथ पैरों पर कई जख्म हो जाते थे बर्तन धोने के दौरान। उन्हें अफसोस होता था कि वह अपने घर से क्यों भाग कर दिल्ली आ गए। लेकिन एक दिन रॉय की मुलाकात सलाम ब्लॉक ट्रस्ट के एक स्वयंसेवक से हुई, जिसने उन्हें बताया कि उन्हें अभी स्कूल में जाना चाहिए। साथ ही स्वयंसेवक ने बताया कि उनके ट्रस्ट के कई केंद्र हैं और कुछ में आप स्कूल जा सकते हैं, और साथ ही आप हर समय बंद नहीं रहेंगे। वह इनमें से एक केंद्र में शामिल होगा, जिसका नाम अपना घर था। विक्की रॉय को स्कूल में 6th क्लास में दाखिला दिया गया। रॉय ने 10th क्लास की परीक्षा दी और उसमें 48% मार्क्स प्राप्त किए। स्कूल के अध्यापक को एहसास हुआ कि वह पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में शामिल होने के लिए कहा गया, जहां वह कंप्यूटर या टीपी रिपेयर करने का प्रशिक्षण ले सकता था। फोटोग्राफी के साथ उनका मन यहीं से आया। जब ट्रस्ट के 2 बच्चे फोटोग्राफी में प्रशिक्षण के बाद इंडोनेशिया और श्रीलंका गए, यह देखकर विक्की रॉय के मन में भी लालच आ गया और उसने अपने अध्यापक को कहा कि वह भी फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं। रॉय को पता भी नहीं था कि यह कहकर उनका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला है। उस समय एक ब्रिटिश फिल्म निर्माता डिक्सी बेंजामिन ट्रस्ट में डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे। तभी अध्यापक ने रॉय की मुलाकात बेंजामिन से करवाई। इस तरह विक्की रॉय बेंजामिन के सहायक बन गए और एक फोटोग्राफर के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। रॉय को उस समय इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वह बेंजामिन की बातों में हाँ में हाँ मिलाते जाते थे। बेंजामिन ने उसे SLR का उपयोग करना सिखाया। रॉय जल्द ही 18 साल के होने वाले थे और इसका मतलब था कि उन्हें सलाम ब्लॉक ट्रस्ट छोड़ना होगा, क्योंकि उसमें केवल 18 साल से छोटे बच्चों को ही रहने की अनुमति दी जाती थी। बाकी का रहना अब अपने बलबूते पर ही करना होगा।
ट्रस्ट केवल एक गैस सिलेंडर, स्टोव, मैट्रेस और बर्तन जैसी मूलभूत चीजें प्रदान करता था, लेकिन वह ट्रस्ट के अलावा किसी और को नहीं जानता था। हालांकि स्वतंत्र रहना रॉय के लिए एक आशीर्वाद साबित हुआ, क्योंकि रॉय ने असिस्टेंट बनने के लिए प्रसिद्ध फोटोग्राफर अनय मान से संपर्क किया। उन्होंने सहमति व्यक्त की, लेकिन एक शर्त रखी कि रॉय को कम से कम 3 साल तक उनके साथ काम करना होगा। अनय मान एक अच्छे शिक्षक साबित हुए। उसने रॉय को फोटोग्राफी सिखाने के लिए ड्राइंग का इस्तेमाल किया और प्रकाश और क्षेत्र की गहराई जैसे कंसेप्ट से रूबरू करवाया। यह कार्य रॉय को अपनी जगहों पर ले गया। उनका जीवन कई बार अब शानदार होटल में बीता था। रॉय सड़क के बच्चों तस्वीरें खींचना शुरू कर दिए जो 18 साल या उससे कम थे। उन बच्चों के लिए कोई काम करना चाहते थे। यह रॉय का लक्ष्य था कि वो उन बच्चों के लिए कुछ काम करना चाहते थे। 2007 में उसने स्ट्रीट ड्रीम्स नाम की प्रदर्शनी लगाई, जिसमें यह दिखाया गया कि वह सड़कों पर कैसे रहते थे और कैसे कबाड़ उठाते थे। यह ब्रिटिश कमीशन ऑफ DFID द्वारा प्रायोजित की गई थी, जो बहुत सफल रही। रॉय ने लंदन और दक्षिण अफ्रीका में भी प्रदर्शनी किया, जो काफ़ी सफल रहा। यह वह समय था जब रॉय को लगने लगा था कि वह भी एक बड़ा फोटोग्राफर बन सकते हैं। स्ट्रीट ड्रीम्स की सफलता के बाद रॉय कई परियोजनाओं को लेकर आश्वस्त थे। 2008 में मेवा फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक विश्वासिक प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें 5,000 लोगों ने हिस्सा लिया था। इसमें जीतने वाले को अमेरिकन जाकर 6 महीने के लिए विश्व व्यापार केंद्र की फोटोग्राफी करने का मौका दिया जाना था। रॉय जीतने वाले 3 फोटोग्राफर में से एक था। उनका काम WTC 7 में प्रदर्शित हुआ और उन्हें ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अवार्ड से नवाजा गया। रॉय को बकिंगम पैलेस में प्रिंस एडवर्ड के साथ दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। यह पहली बार था जब उन्हें महल के बारे में सुना था। रॉय का काम कई जगहों पर जाना शुरू हुआ, जैसे व्हाइट चैपल गैलरी और फोटो मुक्त स्विट्जरलैंड। 2011 में विक्की रॉय ने अपने दोस्त चंदन गोम्स के साथ एक लाइब्रेरी खोली। इसमें फोटोग्राफी की किताबें रखी गई। फोटोग्राफी की किताबें काफ़ी महंगी आती थी, जिसे एक साधारण बच्चा नहीं खरीद सकता था। उन्होंने सभी बड़े फोटोग्राफर को एक मेल किया और अपना उद्देश्य बताया और कहा कि वे उनसे उनकी एक एक किताब लाइब्रेरी के लिए फ्री में रखना चाहते हैं, ताकि गरीब बच्चों को फ़ायदा हो सके। इस तरह उन्होंने काफ़ी सारी किताबें इकट्ठी की। यह लाइब्रेरी गरीब बच्चों के लिए फोटोग्राफी का आयोजन करता था। यह लाइब्रेरी वर्तमान में दिल्ली के मैरोली में ओजस आर्ट गैलरी में स्थित है। तो दोस्तों, यह एक कूड़ा उठाने वाले की कहानी है, जो अपनी मेहनत के दम पर आज भारत के बड़े बड़े फोटोग्राफर की लिस्ट में शामिल है। किसी ने सही ही कहा है कि परीक्षम वह चाबी है जो किस्मत के दरवाजे खोलती है। कई लोग अपनी ज़िंदगी हालातों का रोना रोते हुए बिता देते हैं, तो कई हालातों को झुकाने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब आपको तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी थी आपको इंस्पिरेशन देने के लिए, ताकि आप इससे कुछ सीख सकें। क्योंकि डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स, हमारे हालात, हो सकता है सिचुएशंस अच्छी नहीं हों, लेकिन फिर भी हम लोगों को अपने सपनों के लिए काम करते रहना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।